नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक प्रोडक्शन इंजीनियर की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर दोस्तों यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आई चैनल ताकि आपको मेरे जॉब से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों बिना किसी देरी के हम जानने की कोशिश करते हैं एक प्रोडक्शन इंजीनियर की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रोडक्शन इंजीनियर की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्शन इंजीनियर सुपरवाइज एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन एट प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज ओके सो एक प्रोडक्शन इंजीनियर प्लांट्स या फैक्ट्रीज या किसी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन को सुपरवाइज करता है और प्रोडक्शन लेवल को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है प्रोडक्शन इंजीनियर सपोर्ट इंजीनियर्स टीम एक प्रोडक्शन इंजीनियर इंजीनियर टीम्स या ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स जो कि प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या प्रोडक्शन को एक स्मूथली रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको सपोर्ट करता है प्रोडक्शन इंजीनियर ड्रॉ प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स को ड्रॉअ अप करना एक प्रोडक्शन इंजीनियर का मेन काम होता है प्रोडक्शन इंजीनियर रिपोर्ट्स इश्यूज टू मैनेजर यदि प्रोडक्शन में या प्रोडक्शन यूनिट में कोई प्रॉब्लम्स uh, क्रिएट होती है या कोई इशू क्रिएट होता है तो इन प्रॉब्लम्स को मैनेजर को रिपोर्ट करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर डेवलप स्ट्रैटीज टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड प्रॉफिट ओके, okay. सो so, एक प्रोडक्शन इंजीनियर का काम क्या होता है एक प्रोडक्शन इंजीनियर का काम होता है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो भी स्ट्रैटेजीज़ होती है यूजफुल या एसेंशियल स्ट्रेटजीज, उनको डेवलप करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर सुपरवाइज़ द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस को सुपरवाइज करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर डा प्रोडक्शन इंजीनियर डायग्नोस प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन लाइन यदि प्रोडक्शन लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है कोई ईशू क्रिएट होता है तो इसको डायग्नोस करने का या रिजॉल्व करने का, का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर प्रोवाइड रिकमेंडेशन एंड ट्रेनिंग ओके सो ट्रेनिंग और रिकमेंडेशन देने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर इस्टैब्लिश सेफ्टी प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल सेफ्टी प्रोसीजर और प्रोटोकॉल को इस्टैब्लिश करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर शेयरिंग नॉलेज विथ कोवर्कर्स कोवर्कर्स के साथ नॉलेज को शेयर करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग अन सेफ प्रैक्टिस अगर और किसी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में कोई अनसेफ प्रैक्टिस चल रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना उसको डॉक्यूमेंट करना और रिपोर्टिंग करना एक प्रोडक्शन इंजीनियर का काम होता है प्रोडक्शन इंजीनियर ड्राइंग अप प्रोडक्शन स्केड्यूल्स एंड बजट फॉर प्रोजेक्ट ओके सो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्रोडक्शन स्केड्यूल और बजट को ड्रॉअप करने का या बनाने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर ऑप्टेन मटेरियल एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड प्रोडक्शन जैसा कि आप जानते हैं किसी भी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मटेरियल और इक्विपमेंट की जरूरत होती है तो इन मटेरियल और इक्विपमेंट को रिक्वायर्ड करने का काम भी या गेन करने का प्राप्त करने का काम भी एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है यदि आप एक प्रोडक्शन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको कैड सॉफ्टवेयर या सी सॉफ्टवेयर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का नॉलेज होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट सूट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट होता है प्रोडक्शन इंजीनियर एसेस एनालाइज करंट प्रोडक्शन मैथड्स ओके सो अभी जो करंट प्रोडक्शन मेथड है उसको एसेस करना एनालाइज करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर डेवलप एंड ड्राफ्ट एंड इम्प्रूवड प्रोसेस इम्प्रूवड प्रोसेस को डेवलप करना और ड्राफ़्ट करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीनरी और वर्कर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मशीन और कोवर्कर्स से की, का यूज करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी या प्रोडक्टिविटी को प्राप्त करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर फॉलो प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स एक प्रोडक्शन इंजीनियर प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स को फॉलो करता है प्रोडक्शन इंजीनियर डिटरमाइन विच मशीन्स टूल्स इक्विपमेंट विल बी दे बी स्टेशन फैसिलिटी ओके सो एक प्रोडक्शन इंजीनियर का काम होता है कि किसी भी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में मशीन्स टूल्स या इक्विपमेंट्स कहाँ पर लगाए जाए ये डिसाइड करने का काम या डिटरमाइन करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर डिटरमाइन हाउ मैनी वर्कर्स आर नीडेड टू मैन प्रोडक्शन लाइन ओके सो एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कई प्रोडक्शन लाइन होती है सो इन प्रोडक्शन लाइन में कितने वर्कर काम करेंगे ये डिसाइड करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर ट्रेन सुपरवाइज मैनेज प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स सो प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स को ट्रेन करना सुपरवाइज करना और मैनेज करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर इंक्रीज स्पीड एंड इफिशियंसी ऑफ प्रोसेस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी एक प्रोडक्शन इंजीनियर का जो काम होता है कि प्रोसेस को, को जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज या उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है वो भी बिना किसी क्वालिटी को के कॉम्प्रोमाइज़ किए ओके सो क्वालिटी विल बी या मस्ट बी मेंटेन प्रोडक्शन इंजीनियर डेवलप एंड इंप्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स सो एक प्रोडक्शन इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल जो भी मेजर्स है उनको डेवलप करता है और उनको इम्प्लीमेंट भी करता है प्रोडक्शन इंजीनियर एंडश्योर्स ऑल स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन रन स्मूथली एंड एफिशियंसी एक प्रोडक्शन इंजीनियर का काम होता है कि किसी भी प्रोडक्शन जो यूनिट होती है या लाइन होती है उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या स्मूथली रन करने के लिए जो भी स्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है उसको इंश्योर करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है प्रोडक्शन इंजीनियर एजुकेट एम्प्लॉयज़ ऑन प्रॉपर मैथड इन विच टू ऑपरेट मशीनरी ओके जैसे कि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में कई प्रोडक्शन लाइन्स होती है या मशीन्स होती हैं हर एक मशीन की अपनी अपनी एक मैथड होती है हर एक मशीन पर अलग अलग एम्प्लॉयज़ की क्वांटिटी यू नो क्वांटिटी होती कि कितने जो को वर्कर्स है या वर्कर्स है वो एक मशीन पे काम करेंगे ओके okay. सो so, उन वर्कर्स को उस मशीन के, के को बारे में एजुकेट करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है या प्रोडक्शन इंजीनियर हायर टेक्नीशियन टू मेंटेन इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट्स या मशीनरी को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन इंजीनियर कई टेक्नीशियन को हायर करता है प्रोडक्शन इंजीनियर डायग्नोस ऑरिजिन ऑफ ब्रेकडाउन इंक्लूडिंग ह्यूमन एरर एंड ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स यदि किसी मशीन में ब्रेकडाउन हो रहा है या कोई मशीन ख़राब हो रही है तो उस प्रॉब्लम या उस ब्रेकडाउन uh, या ओरिजिन ऑफ ब्रेकडाउन को डायग्नोस या पता लगाने के काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है अब ये एरर जो ये प्रॉब्लम्स है या ब्रेकडाउन है ये मानव निर्मित हो सकता है या ये ह्यूमन एरर हो सकता है और इन प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करना या रिजोल्व करने का काम एक प्रोडक्शन इंजीनियर का होता है यदि आप एक प्रोडक्शन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लाइक एंड कमेंट अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग